हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल पर। तो आज हमारा डेली एक्शन प्लान का 7th डे था, जिसे हम लगातार 80 दिनों तक फॉलो करने वाले हैं। हमारा टारगेट है नीट के अंदर मिनिमम 140 प्लस मार्क्स हासिल करना। रोज़ मैं आपके साथ में एक क्लास शेयर करता हूँ, उसके ऊपर फिर एक क्विज़ आपको मिलता है, और उस क्विज़ के थ्रू आपको रोज़ पता चलता रहता है कि आप लोग कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना पानी में। तो ये हमारा क्विज था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चंस थे, और वन बाय वन हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने जा रहा हूँ। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा गया है पहले क्वेश्चन के अंदर? अ बायकॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ एफ, इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, द फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट विल बी। तो हमने क्लास के अंदर देखा था कि हमारा जो बाय कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये हमारा बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन। ये आप खुद भी निकाल सकते हो, हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय म्यू एस टाइम्स वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। यहाँ पर आर वन पॉजिटिव आर हो जाएगा, आर टू नेगेटिव आर हो जाएगा, और जब वैल्यूज रखोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब आप इसको काट देते हो, आधा इस तरीके का बना देते हो, तो फिर आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी रह जाती है? वो रह जाती है आर डिवाइडेड बाय म्यू माइनस वन। तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन। आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एफ। तो हमारी काटने के बाद में जो फोकल लेंथ हो जाएगी वो जस्ट डबल हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर टू। अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कर्वेचर ऑफ 30 सेंटीमीटर। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेन है एक सरफेस और एक है कॉन्वेक्स, ठीक है। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आर वन तो क्लियरली दिखाई देगी होगी आपको इन्फिनिटी, है ना, और R2 जो है वो हमें दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है, है ना। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है म्यू, जिससे मटेरियल बना हुआ है, दैट इज 1.5। प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट 90 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो हमें U जो दे रखा है वो दे रखा है 90 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग U हमेशा नेगेटिव होता है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है आपका F डिवाइडेड बाय F प्लस U। अब अगर हमारे पास में कैसे भी करके F आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो हमारा F जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो वैसे ऊपर भी फॉर्मूला लगा हुआ है, आप वैसे भी डिराइव कर सकते हो। तो लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 माइनस 1, ठीक है। बेसिकली अपन 1 अपॉन एफ के लिए लिखते हैं ये फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन सेकेंड रेडियस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस होके नीचे बच जाएगा आपका सिंपली 30 सेंटीमीटर। यानी कि एफ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिवाइडेड बाय 0.5, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो जैसे हमारे पास में एफ आ गया और एफ पॉजिटिव आ रहा है, बच्चों ध्यान में रखना, तो हम एम निकाल सकते हैं। एम हो जाएगा आपका पॉजिटिव 60 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव 60 एंड नेगेटिव 90। तो ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय माइनस का 30, यानी कि माइनस का 2। और केवल इसकी वैल्यू लेते हो एम की, तो कितनी नज़र आ रही है आपको, 2 आ रही है, ट्वाइस आपका मैग्नीफाइड हो जाएगी इमेज। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन। द रियल इमेज विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फॉर दिस
वॉट मस्ट बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में भी किया था, हमने डायरेक्ट पढ़ा हुआ है कि एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए जब तुम ट्वाइस ऑफ एफ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसकी इमेज भी कहाँ पर बनती है, ट्वाइस ऑफ एफ पर बनती है, अपोजिट साइड में इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, इस तरीके से रे जाती है और ये यहाँ से फोकस से होती हुई गुजर जाती है और ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, वो एज इट इज़ इस तरीके से मिल जाती है। हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट देखा हुआ है, सेम साइज़ की इमेज बनती है। तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर कह रखा है। तो अगर हमारी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो ट्वाइस ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 30 सेंटीमीटर इधर एंड 30 सेंटीमीटर इधर, तो ओवरऑल डिस्टेंस हमारी कितनी हो जानी चाहिए, 60 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और यही हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अ डबल कॉन्वेक्स थिन लेंस मेड ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दी गई है 1.5, तो जो कुछ दिया हुआ है उसको एक बार इकट्ठा कर लो। हैज़ बोथ रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 20 सेंटीमीटर, तो आर हमें दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। इंसिडेंट लाइट रेज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द लेंस विल कन्वर्ज, तो हमने देखा था फोकस की डेफिनेशन क्या होती थी, कि जो पैरेलल रेज आती थी वो लेंस से गुजरने के बाद में कन्वर्ज हो जाती थी, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती थी उसी को अपन फोकस कहते थे। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ निकालनी है बेसिकली, और उसका फॉर्मूला हमारे पास में है, अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था, आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन। आर की वैल्यू रख दो आप 20, ट्वाइस ऑफ 1.5 माइनस वन यानी कि 0.5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, तो एफ भी आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कन्वर्ज एट अ डिस्टेंस एल, तो हमसे जो एल पूछा गया ना वो बेसिकली फोकल लेंथ ही है, और वो हमें कितनी मिल रही है, 20 सेंटीमीटर मिल रही है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन विथ अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/2, तो हमें एम दे रखा है 1/2। प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन, अब आपकी इमेज जो है ना वो स्क्रीन पर बन रही है, पकड़ो इस चीज़ को, स्क्रीन पर बन रही है इमेज, इसका मतलब पक्का रियल इमेज है, और रियल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। तो m हमें -1/2 दिया हुआ, ये यहाँ पर हमें पकड़ना था। वेन द लेंस इज मूव्ड 30 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, कोई बात नहीं, द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज ऑन द स्क्रीन इज 2, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो अब देखो यहाँ पर m जो है वो हमें बेसिकली क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो हम फोकस की फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो ये हो जाएगा f डिवाइडेड बाय f प्लस u। अब हमें u नहीं पता तो हम सेकंड केस पर जाते हैं। सेकंड केस में हमारा क्या हो जाएगा, m कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अगेन हमारी इमेज कहाँ पर मिल रही है, स्क्रीन पर, तो पक्का रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय f प्लस, आपने क्या करा, लेंस इज मूव 30 सेंटीमीटर टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की डिस्टेंस अगर पहले u थी तो अब घट के कितनी रह गई, u माइनस 30 रह गई, कितनी रह गई, u माइनस 30, तो ये हो जाएगा u माइनस 30। अच्छा, हमें साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो u को अपन मान लेते हैं जैसे नेगेटिव x, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली नेगेटिव x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका सिंपली नेगेटिव x माइनस 30। अब हमें x को एलिमिनेट करना है, वो हम आसानी से कर देंगे, तो यहाँ से आप देखो f माइनस x, इसकी वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 2f के इक्वल, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करना,
ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी f प्लस 2f, दैट इज 3f के इक्वल। ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू आप सेकंड इक्वेशन के अंदर रखो तो आप लिखोगे माइनस 2 इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस x की जगह आपने 3f रखा तो 3f एंड माइनस माइनस प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका f डिवाइडेड बाय माइनस का 2f प्लस का 30। तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 2f इसको माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4f एंड 30 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 60 इज इक्वल टू f। इसका मतलब आपका 3f जो होगा वो 60 के इक्वल हो जाएगा, और इसका मतलब आपका f जो है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 20 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाना चाहिए। ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन 5 ऑप्शन सी, हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर। तो अभी अभी हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस देखा ही था पहले दूसरे क्वेश्चन के अंदर, उसी की बात करी जा रही है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एफ हमें कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटीरियल, तो हमने फॉर्मूला देखा था एफ इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, बस हो गया काम। एफ हो जाएगा 30, आर हो जाएगा 10, म्यू हो जाएगा आपका, फाइनली निकालना है हमें माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 30 टाइम्स म्यू माइनस 30 इज इक्वल टू 10, यानी कि 30 टाइम्स म्यू इज इक्वल टू 40, यानी कि म्यू आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 1.33। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज बन रही है और स्क्रीन पर बन रही है, इसका मतलब रियल इमेज है। तो हमें v दे दिया गया है कितना, प्लस 30 सेंटीमीटर दे दिया गया, बहुत अच्छी बात है। u हम मान लेते हैं समथिंग नेगेटिव x। अब यहाँ पे x जो है ना कोई पॉजिटिव नंबर है और u जो होगा नेगेटिव हो जाएगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, x 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो u हो जाएगा आपका माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30 इस तरीके से। तो x एक पॉजिटिव संख्या है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग u हो गया आपका नेगेटिव, हमें दे नहीं रखा। तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग 1/v यानी कि 1/30 माइनस 1/u यानी कि 1/-x, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 1/f के बराबर हो जाना चाहिए। यहाँ से हमें पता पड़ गया कि 1/30 प्लस 1/x जो होगा वो 1/f के बराबर हो जाएगा। सेकंड केस में क्या हुआ कि आपने ऑब्जेक्ट को 90 सेंटीमीटर मूव कर दिया टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो पहले लेंस और इमेज की डिस्टेंस 30 थी और अब लेंस और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 90 प्लस 30 यानी कि 120 सेंटीमीटर हो जाएगी। इमेज अभी भी वहीं पर बन रही है, स्क्रीन पर ही बन रही है, तो पहले लेंस और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 30 थी, अब आपने लेंस को ऑब्जेक्ट की तरफ 90 सेंटीमीटर मूव कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ गई, कितनी हो गई, 120 हो गई। और u जो है वो आपका घट गया, कितना हो गया, माइनस एक्स माइनस 90 हो गया। अगेन आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1/120 पॉजिटिव माइनस 1/-x माइनस 90 इज इक्वल टू 1/f। इसको थोड़ा सा ढंग से लिखोगे तो 1/120 ठीक है प्लस 1/x माइनस 90 इज इक्वल टू 1/f आ जाएगा। तो दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1/f की वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए, तो आप लिखोगे 1/30 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/120 प्लस 1/x माइनस 90। अब ये x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी, तो x को एक तरफ कर दो और बाकी को एक तरफ कर दो, तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/120
इज इक्वल्स टू 1 upon x minus 90 minus 1 upon x। जब इसको सॉल्व करोगे तो 120 minus 30 ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका 120 LCM 4 minus 1 3 divided by 120, है ना। आई होप आप फ्रैक्शंस को ऐड करना डिफरेंस करना जानते हो तो अपने लेवल पर ये कैलकुलेशन कर सकते हो। और इधर की तरफ आ जाएगा x माइनस 90 दैट इज पॉजिटिव 90 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 90x। तो यहाँ से 3 से ये 40 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 90x एंड माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब x के लिए सॉल्व करोगे तो माइनस 90 को आप स्प्लिट कर सकते हो माइनस 120 एंड प्लस 30, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 120x प्लस 30x माइनस 3600। तो यहाँ से यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है ना। तो x कॉमन आ गया x माइनस 120 एंड प्लस 30 कॉमन आ गया x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो माइनस 30 आएगी, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है दैट इज 120। और जैसे x की वैल्यू 120 आ जाएगी, इसको अपन यहाँ पर रख देंगे तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon 30 प्लस 1 upon 120। LCM आ गया 120, इधर आ जाएगा 4 plus 1, तो f आ जाएगा आपका 120 divided by 5 दैट इज 24। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाना चाहिए। अब आपको लगा होगा कि सर ये मेथड तो बहुत बड़ा है, हम तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तो कर ही नहीं पाते। तो ये जो क्वेश्चन है इसको एक और मेथड से किया जा सकता है जिसको अपन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। उस डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद में अपन इस क्वेश्चन को फिर से ट्राई करेंगे। तो आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। नीट में बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट जब भी पूछे जाते हैं तब ये रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 8 देखते हैं। An object is placed at 10 cm from a lens and real image is formed with magnification of 0.5. तो हमें m दे रखा है कितना, 0.5, और क्योंकि इमेज रियल है तो पक्का इन्वर्टेड होगी, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, यानी कि u हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये पूछा गया है कि देन द लेंस इज, अब लेंस किस टाइप का होगा ये हम पता लगा लेंगे अगर हमारे पास में उसकी फोकल लेंथ आ जाए। तो हमें पता है कि m किसके इक्वल होता है, f डिवाइडेड बाय f प्लस u। तो m की वैल्यू रख दी अपने माइनस 0.5, f हमें निकालना है, f u की जगह अपने रख दिया माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 f, माइनस माइनस प्लस, 0.5 को माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू f। तो ये हो जाएगा f प्लस 0.5, यानी कि 1.5 f इज इक्वल्स टू नेगेटिव 5, ठीक है, सॉरी 1.5 f इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 5, एक तरफ ले जाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 5 divided by 1.5, और जब इसको सॉल्व करोगे 5 divided by 1.5 को तो ये आ जाएगा 50 divided by 15 दैट इज 10 divided by 3 cm। तो हमारी फोकल लेंथ 10 divided by 3 cm होगी, वेरी गुड। और पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब पक्का हमारा जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 10 by 3 cm, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। 9th क्वेश्चन देखते हैं। चलो 9th क्वेश्चन, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर सेपरेट्स एयर फ्रॉम ग्लास, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द ग्लास, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ है, इस तरफ रखा हुआ है आपका ग्लास, तो ये आपका हो जाएगा ग्लास, इस तरफ ग्लास है आपका और इस तरफ एयर है, तो इधर की तरफ हो गया आपका ग्लास और इधर की तरफ हो गई आपकी एयर, सेंटर आपका ग्लास के अंदर है, ये क्वेश्चन में हमें कह दिया गया है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट पी प्लेस्ड इन एयर इज फाउंड टू हैव,
तो आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो एयर के अंदर रखा हुआ है, यानी कि आपकी रे ऑफ लाइट है वो एयर से ग्लास के अंदर एंटर करेगी। फाउंड टू हैव अ रियल इमेज क्यू इन द ग्लास, पी क्यू कट्स द सरफेस एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, और ये जो लाइन पी क्यू है ये सरफेस को ओ पर कैंसिल आउट कर रही है, और हमें कह रखा है कि पी और ओ क्यू ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। चलो भाई, यहाँ तक की बात भी सही हो गई। तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लिखे तो हमारी इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, ये है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, तो O से P तक जाने के लिए हमें इंसिडेंट रे के अपोजिट चलना पड़ेगा, तो OP तो हो जाएगा आपका नेगेटिव x, और O से Q तक जाने के लिए हमें इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो OQ हो जाएगा हमारा पॉजिटिव x। ये साइन कन्वेंशन हो गया। म्यू इनिशियल हो गया एयर, दैट इज 1, एंड म्यू फाइनल हो गया ग्लास, और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है 1.5। यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखी है r, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चलने पर ही मिल रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी, द सेंटर ये हो गया, द डिस्टेंस पी ओ इज इक्वल टू, पी ओ तो अपन निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में क्या कह रखा है, ये r ही दे रखी है हमें। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितनी दे रखी है, r। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव ही लेनी है। चलो, तो हमारा फॉर्मूला था म्यू एफ यानी कि 1.5 डिवाइडेड बाय v, तो v आपका कितना है, तो ये हो जाएगा आपका v और ये हो जाएगा आपका u, तो v है आपका पॉजिटिव x, माइनस म्यू आई यानी कि 1 डिवाइडेड बाय u, u कितना है आपका नेगेटिव x है, इज इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई। म्यू एफ है आपका 1.5 माइनस म्यू आई है आपका 1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज गिवन एज पॉजिटिव r। तो हम यहाँ से आसानी से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, यानी कि 1.5 प्लस 1 दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 बच जाएगा डिवाइडेड बाय r, तो x की वैल्यू आप देख रहे हो कितनी आ जाएगी, 5 टाइम्स r आ जाएगी, मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10th, कॉनकेव लेंस है ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है 1.5, हैज बोथ सरफेसेस ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर r, मतलब इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी कॉनकेव है, ऑन इमर्जन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इट विल बिहेव एज कन्वर्जेंट लेंस। ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस जो भी है वो तो हम पता लगा लेंगे, मैंने आपको रूल बता रखा है। तो केस वन में हमें क्या दे रखा है, केस वन में हमें दे रखा है कॉनकेव लेंस ऑफ ग्लास जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है बोथ दी सर्फेसिस ऑफ सेम रेडियस, तो ऐसा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। अब नोटिस करो, ये सरफेस वन है, ये सरफेस टू है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो आर वन हो जाएगा माइनस आर, और ये इधर की तरफ है तो आर टू हो जाएगा आपका प्लस आर, ही अपने क्लास के अंदर भी करा था। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। फॉर्मूला था हमारा 1/f इज इक्वल्स टू म्यू एल, तो म्यू एल यहाँ पे कितना है 1.5 माइनस म्यू एस दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1 टाइम्स 1 अपॉन आर 1 यानी कि नेगेटिव r माइनस 1 अपॉन आर 2 यानी कि पॉजिटिव r, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन r, तो 1.5 माइनस 1 करोगे तो 0.5 बचेगा इंटू माइनस का 2 अपॉन r, माइनस के 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो f फाइनली आ जाएगा आपका नेगेटिव r। ये हमारी केस 1 के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थी। ऑन इमर्शन इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो अपन अब किसी मीडियम के अंदर जा रहे हैं, तो मीडियम के अंदर जा रहे हैं तो 1 अपॉन एफ डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा,
म्यू एल दैट इज़ 1.5, म्यू एस दैट इज़ 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75 टाइम्स 1/-r - 1/r. तो ये हो जाएगा 1/f' इज इक्वल्स टू 1.5 - 1.75 करोगे तो नेगेटिव का 0.25 बचेगा, डिवाइडेड बाय 1.75 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव का 2/r. नोटिस करो यहाँ पे हमारी जो फोकल लेंथ आएगी वो पॉजिटिव आएगी, तो f डैश आ जाएगा हमारा 1.75 r डिवाइडेड बाय 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा. 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 से 1.75 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 0, पावर चली जाएगी 1, 2 × 4 = 2 × 7 = 14, 1 = 15 पावर चली जाएगी 1, यानी कि 350, 3.50 टाइम्स r, ये हमारा f डैश हो जाना चाहिए. ठीक है, और ये हमें 3.5 टाइम्स r नज़र आ रहा है, तो हमारी फोकल लेंथ तो हमें पता पड़ गई 3.5 टाइम्स r होगी, मतलब ऑप्शन ए और सी में से कोई एक चीज़ होना चाहिए. अब क्योंकि हमारी फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है और फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कैसा लेंस बन जाता है आपका, कन्वर्जिंग लेंस बन जाता है. कैसा लेंस बन जाता है, कन्वर्जिंग. तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया था ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कन्वर्जिंग, फोकल लेंथ नेगेटिव आती है तो डाइवर्जिंग लेंस. 11th क्वेश्चन देखो. अ होलो डबल कॉनकेव लेंस इज मेड ऑफ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट मटीरियल. इट कैन बी फिल्ड विथ एयर और आइदर ऑफ टू लिक्विड्स L1 एंड L2 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली. तो N2 सबसे ज़्यादा है, फिर N1 और फिर 1. द लेंस विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ इट इज फिल्ड विथ. तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस का मतलब है जब लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो, किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है. किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है. तो हमसे पूछा गया है द लेंस विल डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इफ इट इज फिल्ड. तो हमें कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करवाना है. इसका मतलब पक्का हमारे लेंस के मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, सो इट शुड बी फिल्ड विथ, तो L1 से भरेंगे और L2 से घेरेंगे तो भी नहीं होगा. हाँ, L2 से भरेंगे, ठीक है ना, अगर अपन ये वाली कंडीशन लेते हैं फिल्ड विथ L2 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी दे रखी है N2, एंड सराउंडिंग क्या है आपकी, सराउंडिंग है आपकी L1 जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है N1, तो आपको दे रखा है N2 इज ग्रेटर देन N1, कंडीशन मैच कर रही है. लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सराउंडिंग में मटेरियल है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, नॉर्मल कंडीशन हो गई, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा. ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए. 12th देखो. Which one of the following spherical lenses does not exhibit dispersion? Dispersion ना हो, ठीक है. Dispersion कब होता था, जब refraction हुआ करता था, और अगर refraction ही ना हो तो फिर dispersion भी नहीं होगा. तो अब इनमें से कौन सा ऐसा lens है जो कि किसी भी तरीके से refract नहीं करेगा, किसी भी तरीके से refract नहीं करेगा, इसका मतलब है जिसकी focal length infinite हो जाएगी, जिसकी power 0 हो जाएगी. तो ऑप्शन सी जो है ना, मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था इसको अपन सनग्लासेस के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है उसमें ऐसा होगा. क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप R1 जो है वो भी हो जाएगी पॉजिटिव R और R2 जो है वो भी हो जाएगी पॉजिटिव R, तो 1/f आ जाएगा आपका μL - μS डिवाइडेड बाई μS 1/πr - 1/πr, मतलब 1/f = 0, मतलब f आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, मतलब पावर आ जाएगी आपकी 0. इस कंडीशन में आपका कोई डिस्पर्जन नहीं होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, सीधी की सीधी रेज
निकल जाएगी। ऑप्शन सी हमारा क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 13। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर, ग्लास के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखी है, द डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज। तो हमें देखो क्या क्या दे रखा है, बेसिकली हमें दे रखा है म्यू आई, कितना दे रखा है, ग्लास, ग्लास से चालू होंगी हमारी रेज, ठीक है। तो म्यू आई हो जाएगा हमारा ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.5। एंड म्यू एफ फाइनली एयर के अंदर जा रही है रेज, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्लास स्फीयर, सेंटर पर रखा हुआ है, तो जो कर्व्ड सरफेस है ग्लास की उससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यू हो जाएगा हमारा माइनस का 6 सेंटीमीटर। और हमें वी फाइंड आउट करना है कि वी कहाँ पर होगा, और हमें जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है वो भी कितनी दे रखी है, -6 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर आपका इस तरीके का स्फीयर है, ठीक है, और इस सरफेस को आप कंसिडर करते हो, तो आपको इधर की तरफ आना पड़ रहा है, जबकि इंसिडेंट रे इधर की तरफ जा रही है, तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, -6 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एफ, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय वी, निकालना है हमें, माइनस म्यू आई, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय यू, मतलब माइनस का 6 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू म्यू एफ माइनस म्यू आई, 1 - 1.5 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है आपका, माइनस का 6 सेंटीमीटर है, रख देते हैं माइनस का 6, तो माइनस का 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय वी, प्लस 1.6 होगा, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो एक बार लिख लेते हैं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 - 1.5 करेंगे तो -0.5 डिवाइडेड बाय -6 बचेगा। तो हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि 1/12 -1/6, यानी कि माइनस का 1/12 बचेगा। तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव, वी की वैल्यू आ जाएगी आपकी नेगेटिव 12 × 1.5, मतलब नेगेटिव 60 पावर चली जाएगी 6, 12 और 6 हो जाएगा 18, नेगेटिव 18 सेंटीमीटर ये हमारी इमेज की डिस्टेंस होगी। अब हमसे पूछा गया है द डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो यहाँ से 18 की डिस्टेंस पर बनेगी, तो 12 तो रह गई यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी, केवल और केवल 6 सेंटीमीटर होगी। तो हमें जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाना है, 6 सेंटीमीटर लगाना है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखो, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर विथ सेंटर सी एज शोन इन फिगर, द रे इमर्जेज फ्रॉम द स्फीयर पैरेलल टू लाइन ए बी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर इज, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाएगा, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी आप डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो। कैसे ड्रॉ करना है अपने को डायग्राम, तो जैसा जैसा कहा गया है उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है, नोटिस करोगे हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी गिवन है, है ना। अब देखो थोड़ा सा डायग्राम को आप ड्रॉ करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर नज़र आने लगेगी, पेशेंस वाला सवाल है ये। तो ये हो गया आपका सेंटर, ये लाइन अपनों ने ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 60 डिग्री के ऊपर ये रे इंसिडेंट हो रही है, इसका रिफ्रैक्शन होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर चली जाएगी, यहाँ पर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से चली जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। अब नोटिस करो कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा,
तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। दोनों ही एंगल आपके कितने हो जाएंगे, आर हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे एंगल। और अगर ये एंगल आर है तो पक्का ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए आपका, 60 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तक की बात आपको क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। ये हमने ऑप्टिक्स यूज़ नहीं करी, ये हमने यूज़ करी है ज्योमेट्री, इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 60 है तो ये वाला हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो बेसिकली आपका जो 2R है वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो R, R और 120 ये ट्रायंगल के तीन एंगल हैं, तो 2R हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 डिग्री। अब खेल आपके हाथ में, साइन ऑफ I दैट इज 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R दैट इज 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू टू, यानी कि ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें निकालनी है, डिवाइडेड बाय म्यू वन दैट इज एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। खेल खत्म। साइन 60 हो जाएगा आपका रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन 30 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 चला गया तो म्यू की वैल्यू आ जानी चाहिए रूट 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15th। एन ऑब्जेक्ट हैज इमेज थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है, व्हेन केप्ट एट 8 एंड 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो हमें एम दे रखा है कितना, थ्राइस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है तो पक्का हमारी इमेज रियल रही होगी, इन्वर्टेड रही होगी, राइट, खासकर 16 सेंटीमीटर पर रखेंगे तब तो ऐसा रहा होगा, कम डिस्टेंस पर रखने पर तो फिर भी चांस होता है कि वो इरेक्ट और वर्चुअल वाला केस बन रहा हो, बट कम से कम ज़्यादा डिस्टेंस पर रखेंगे तो पक्का हमारा एम जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हमें कहा गया ऑब्जेक्ट हैज़ इमेज थ्राइस ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, तो एम की वैल्यू -3 हो जाएगी, स्पेशली तब जब हम यू 16 सेंटीमीटर ले रहे हैं, यू हो जाएगा आपका -16 सेंटीमीटर। तो एफ निकाल लो, तो एम होता है आपका एफ अपॉन एफ प्लस यू, -3 इज इक्वल टू एफ हमें निकालना है, एफ यू की जगह पर रख देंगे -16, तो हो जाएगा माइनस का 3F, माइनस माइनस प्लस का 16 × 3 करेंगे 48 इज इक्वल टू एफ, यानी कि 4F इज इक्वल टू 48, एफ आ जाएगा आपका 48 डिवाइडेड बाय 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 टाइम्स, तो 12 सेंटीमीटर हमारी फोकल लेंथ आ रही है, यानी कि 8 और 16 सेंटीमीटर के बीच में है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज इट बच्चों, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जो बच्चे 15 में से 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन सही करेंगे वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट सरप्राइजिंगली हमारे जो टॉपर्स हैं जो कि लगातार पिछले क्विज के अंदर टॉप कर रहे हैं, उन्होंने इस बार भी 15 क्वेश्चंस सही किए हैं इस क्विज़ के अंदर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। आप इसी तरीके से अगर क्विज़ फोड़ते रहोगे तो फिर नीट का एग्ज़ाम भी आप 100% फोड़ोगे।